हेलो फ्रेंड्स, ये पैनासोनिक का प्रोजेक्टर है PT-AR-100। इसमें पावर ही नहीं आ रहा है, तो आज इसको ट्रेस आउट करेंगे क्या प्रॉब्लम है। और ये स्विच भी ऑन किया है मैंने, यहाँ से भी स्विच ऑन करके रखा है, पर इसमें कोई पावर नहीं आ रहा है। अब पावर नहीं आ रहा है तो इसमें दो प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर एक तो पावर सप्लाई बैड होगा, नंबर दो ये अपना मदरबोर्ड इसका बैड होगा। तो पावर सप्लाई बैड है या मदरबोर्ड में बैड है, तो उसको ट्राइस आउट करके पता कर लेते हैं। मैं एक्सपीरियंस बेस पे मैं पता कर लेता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये पावर आया, मतलब पावर सप्लाई अपना ओके है। ये लाइट आपको दिख रहा होगा, रेड लाइट आ गया है। ये मदरबोर्ड में ही इशू है, पावर सप्लाई ओके है। तो चलिए मदरबोर्ड में क्या इशू है मैं चेक करता हूँ पहले। तो सबसे पहले मुझे अपना ये सेंसर चेक कर लेना है, सेंसर ओके है कि नहीं है। ओके, तो सेंसर को कैसा से चेक करेंगे, मैं सप्लाई बंद कर देता हूँ। बीप साउंड पे रख के दोनों ओर से चेक करना है कि बीप बज रहा है कि नहीं बज रहा है। जी नहीं, बीप नहीं बज रहा है। इसका मतलब ये सेंसर ही ख़राब है। ओके, मैं ये सेंसर को शॉर्ट करके देखता हूँ आगे भी कुछ प्रॉब्लम है कि इसका ये प्रॉब्लम है। आपको दिख रहा हो तो देख सकते हैं कि मैंने ये जंपर मार दिया है। अगर ये इसका प्रॉब्लम है तो ये सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए मैं ऑन करता हूँ। जी हाँ, प्रोजेक्टर तो ऑन हो गया, ये लाइट भी आ गई और ये ग्रीन भी हो गई, तो मतलब प्रोजेक्टर अपना चालू हो गया है। सकी देख सकते हैं आप, लैंप भी फायर हुआ है। सो गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट। एक सेंसर की वजह से ये पूरा प्रोजेक्टर बंद पड़ा हुआ था, डेड कंडीशन, पावर ही नहीं आ रहा था इसमें। और मैंने आपको बता दिया कि कैसे फाइंड आउट किया कि पावर सप्लाई का इशू है या मदरबोर्ड का इशू है। अब देख सकते हो कि ये रेड लाइट पहले नहीं आ रही थी, अभी मैंने ये प्रोजेक्टर ओके कर दिया है, पैक कर दिया है, क्योंकि उस तरह से ये लाइट दिख नहीं रही थी। तो मैं सोचा कवर्स पैक करके एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ।